अब प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज का थर्ड कंपोनेंट होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज। तो माइग्रेशन क्या होता है कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर सेटल हो जाना। जैसे कि कोई गांव का व्यक्ति था, वो किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करने लगा, तो वो कहाँ से, गांव से माइग्रेट होकर एक बड़े शहर में चला गया, वहाँ पर जाके रहने लगा। तो इसको बोलते हैं इंटरनल माइग्रेशन। मतलब वो एक देश, एक ही देश है, सपोज इंडिया का एक गांव है, वहाँ से कोई एक पर्सन है वो बड़े शहर में जाकर के नौकरी करने लगे हैं, तो ये होता है इंटरनल माइग्रेशन। और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है कि कोई इंडिया का कोई पर्सन है वो किसी दूसरे देश में, सपोज US में, कनाडा में जाकर के जॉब करने लगते हैं या वहाँ पर रहने लगते हैं पढ़ने के लिए या किसी और रीज़न की वजह से, तो वो होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन होता है वो पॉपुलेशन के साइज़ को चेंज नहीं करता है, मगर बस पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज करता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, पहले गांव में रह रहे थे तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी में काउंट होते थे, अब शहर में आ गए हैं तो वहाँ में काउंट होंगे। और जो माइग्रेशन का एक देश से दूसरे देश में जाना, जैसे कि इंडिया से जा कर के कोई दूसरे देश में जा रहा है, तो उस देश की, दूसरे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया की कम हो रही है, तो इस तरीके से पॉपुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है माइग्रेशन का। अब इसमें आगे हैं, हाँ ये है कि इंडिया में जो है वो मोस्ट माइग्रेंट्स वो होते हैं, पुश माइग्रेशन होता है, जिससे जिसकी जिसका रीज़न होता है, जैसे कि रूरल एरियाज, जैसे कि जो गांव के एरियाज हैं, वहाँ से कोई बड़ी सिटीज़ में जाता है एम्प्लॉयमेंट की खोज में, क्योंकि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। गरीबी है गाँव वाले एरियाज़ में और बेरोज़गारी है, तो वो बेरोज़गार लोग जो होते हैं वो जॉब्स की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। और जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है वो जनरली अच्छी लिविंग कंडीशंस के लिए होता है, कि वहाँ जाकर हमें अच्छे रहने की जो व्यवस्था होगी वो होगी, अच्छी जॉब करने के लिए हम जाएंगे, इस वजह से होता है माइग्रेशन। वही इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करने के लिए, और किसी भी कंट्री के साइंस को या किसी जगह के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और सेक्स कंपोजिशन को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं, मेल्स होते हैं जो गांव से या फिर किसी भी शहर से दूसरे शहर में जाते हैं जॉब करने के लिए, तो जो गांव या फिर रूरल एरियाज़ जो हैं वहाँ पे फीमेल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस जगह वो जाते हैं उस जगह मेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें बता रहे हैं कि अर्बन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गई 17.29% से, जो कि 1951 में थी, और 2001 में हो गई है वो 27.78%। और मिलियन प्लस सिटीज़ जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो पहले 93 थी 1991 में, 2001 में वो 35 हो गई हैं। अब एज का कंपोजिशन ये भी देखते हैं कि एज कंपोजिशन जो होता है, एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। मतलब एक कंट्री में किस किस एज ग्रुप में लोग रहते हैं, वो होता है वहाँ का एज कंपोजिशन। जैसे कि कितने जो बच्चे हैं जो 0 से 15 साल की उम्र में हैं, कितने लोग 15 से 40 में हैं, 40 से 45 में हैं, इस टाइप में जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो होता है एज का कंपोजिशन। ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के काफ़ी बेसिक करेक्टरिस्टिक है। एक इंपॉर्टेंट डिग्री तक जो पर्सन की जो एज है वो इन्फ्लुएंस करती है, काफ़ी सारी पर्सन एज इन्फ्लुएंसेस वॉट ही नीड्स। मतलब पर्सन की एज इन्फ्लुएंस होती है काफ़ी सारी चीज़ों से, जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको हॉस्पिटल्स की नीड होगी और उनको दवाइयाँ भी चलेंगी, कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं। यंग एज में बच्चे को किसकी ज़रूरत होती है, स्कूल की ज़रूरत होती है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो एज के साथ साथ हम लोगों की ज़रूरतें बदलती जाती हैं और हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी बदलता जाता है। जो यंग एज पॉपुलेशन होती है, जैसे कि आप मान सकते हैं 15 से लेकर के जो 59 ईयर्स तक की जो पॉपुलेशन होती है प्रोडक्टिव होती है, वो एक देश की इकोनॉमी में सहायता कर सकती है। तो यही हमें आगे बताया गया है कि जनरली जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो 15 ईयर्स, वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, मतलब वो पैसे नहीं कमा पाते हैं, जनरली ऐसा होता है। उनको जो है खाना, कपड़े, एजुकेशन, मेडिकल केयर ये चाहिए कि कोई और उनके लिए करे। तो जैसे एक बार एज कंपोजिशन देख लेते हैं कि एडल्ट जो हैं वो 58% हैं और अराउंड जो एजड हैं, बूढ़े लोग हैं, वो लगभग 6.9% है और बच्चे हैं 34.4%। तो अब इसमें है कि जो वर्किंग एज में होते हैं 15 से 59 तक, वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और वो काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और 59 ईयर्स से जो जनरली क्या होता है, 60 पे रिटायरमेंट हो जाता है प्राइवेट में और गवर्नमेंट जॉब्स में, तो वो तो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हो गया, वो कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं देश के लिए, अपने लिए, बिजनेसेस वगैरह में वो लोग काम करते रहते हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं कौन कौन, जो बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, जो एडल्ट होते हैं,
जो लोग कमा सकते हैं उन पर। अब सेक्स रेशियो देखते हैं कि सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। मतलब अगर मेल 1000 हैं तो उनके 1000 के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स होंगी, कि इंफॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है। कैसे सोशल इंडिकेटर है कि वहाँ पर, क्योंकि देखते हैं। हाँ, तो जो ये सेक्स रेशियो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ईयर में कितना कितना रहा है। 1951 में सेक्स रेशियो था 9:46 और 2001 में हो गया 9:33। मतलब सेक्स रेशियो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब जो फीमेल जो फीटिसाइड है, पैदा तो नहीं हो रही हैं कम फीमेल्स, मगर फीमेल्स को मार दिया जाता है, उनकी केयर कम की जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। अब ये बताया हुआ है डू यू नो में हमें कि जो केरला का सेक्स रेशियो है वो है 1058 फीमेल्स पर 1000 मेल। पौंडीचेरी का है 1001 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स। दिल्ली और हरियाणा का काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम यूनियन टेरिटरी में देखें तो दिल्ली का बहुत कम है। हरियाणा एक स्टेट को देखें तो हरियाणा का जो है सेक्स रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अब लिटरेसी रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वालिटी लिटरेसी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है वो बताने के लिए। जो लिटरेसी होती है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं हमारे देश में? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस अ पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो 7 साल से बड़ा है वो समझ सकता है, कोई भी चीज़ लिख सकता है, पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक लिटरेट है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है पॉपुलेशन की। और अगर वो एजुकेटेड है तो वो अच्छी चॉइसेस ले सकते हैं, अपने लाइफ के बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं। लो लेवल ऑफ लिटरेसी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और बाधा होती है देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है लिटरेसी रेट में हमारे देश में काफ़ी। 2001 की बात अगर हम करें तो 64.84 थी, और फिर जिसमें 75.6% जो मेल थे वो लिटरेट थे और 53.67% फीमेल्स लिटरेट थी। और अगर आप 2011 के सेंसस की बात करें तो अराउंड 75% हमारे देश का लिटरेसी रेट हो गया है। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ इकोनॉमिकली एक्टिव इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन इकोनॉमिकली एक्टिव होती है, मतलब जो काम कर रही होती है, पैसे कमा रही होती है, वो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ पहले देख ली है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। एग्रीकल्चर खेती करना, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, फॉरेस्ट्री मतलब जो मतलब पेड़ लगाना और उनसे पेड़ों के प्रोडक्ट्स को बेच करके आमदनी करना, फिशिंग मछली पालन हो गया, माइनिंग और क्वेरिंग होता है जैसे कि कोयले के खदानों में से कोयला निकालना, कच्चा माल निकालना, जैसे कि कोई भी हो सकती है माइनिंग क्वेरिंग। आप कोल को ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, एल्यूमिनियम और ये सारी की सारी चीज़ें जो ज़मीन में से निकाली जा सकती हैं और उनको फिर उसके बाद रिफाइनिंग होती है, वो होती है हमारी क्वेरिंग और माइनिंग एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चर मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको और दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना जो ज़्यादा यूज़फुल है वो होता है कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। और जैसे कि और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कार्ड्स बनाना, एरोप्लेन्स बनाना, फर्नीचर्स बनाना, ये भी सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। और कंस्ट्रक्शन करना घरों का, बिल्डिंग्स बनाना, रोड्स बनाना, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी होता है। अब ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज आती हैं टर्शरी में, जैसे कि टीचिंग हो गया और बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन मतलब जैसे कि जो ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, जो नेटवर्क्स आते हैं हमारे फ़ोन में, ये सारी की सारी चीज़ें जो सर्विस हम लोग जॉब करते हैं वो टर्शियरी एक्टिविटी होती है। जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल है वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ वेरी करता है काफ़ी ज़्यादा डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। जो डेवलप कंट्री होती हैं उसमें जो लोग होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी में कम होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग लगे हुए होते हैं। और इंडिया का लगभग 64%, अब तो आप थोड़ा कम कर दीजिए, जैसे कि मोर देन 50% लोग जो हैं इंडिया के वो आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, और जो कि इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कम कंट्रीब्यूट करती है।
प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी में अराउंड है 13% और टर्शरी में अराउंड 20% पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो लगी हुई है। और टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं इंडस्ट्रियल मतलब अर्बन एरियाज़ में और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगती हैं। हेल्थ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपोनेंट है किसी भी पॉपुलेशन के कंपोजिशन का, और ये दिखाता है कि अगर कोई इंसान हेल्दी ही नहीं होगा तो वो कोई काम कैसे करेगा। तो हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और गवर्नमेंट भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती है कि लोग हमारे देश के हेल्दी रहें। सस्टेन एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए जिसकी वजह से हमारे देशों की जो सॉरी हमारे देश के लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और अब हो 25 per 1000 था 1951 में, जो कि अब हो गया है 8.1 per 1000% 2001 में। अब 2011 में और भी कम हो गया है। और पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बर्थ रेट, मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब होता है कि कोई इंसान जब उसकी जब वो पैदा हो रहा है वो कितने साल जिएगा, उसकी लाइफ कितनी होगी, वो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। पहले 36.7 इयर्स थी 1951 में और अब हो गई है लगभग 65 इयर्स 2001 में। अभी पॉइंट में कैसे है, कोई इंसान पॉइंट में तो नहीं इस टाइप से जीता है ना, तो इसका मतलब है जब पूरी पॉपुलेशन का एवरेज निकाला जाता है ना तब इस टाइप के डेटा आ जाते हैं पॉइंट में। ये क्यों हुआ है कि मतलब लोग ज़्यादा गिरने लगे, क्योंकि जो हेल्थ कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाता है, मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे बीमारियों को जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता है और उनको जल्दी क्योर भी कर लिया जाता है। और लोगों का जो खान पान है वो भी बढ़ा है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, साफ पानी पीने को मिला है और बेसिक सैनिटेशन मतलब जो चीज़ें हैं वो लोगों को मिल गई हैं, और हेल्थ सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ है जिसकी वजह से जो है हेल्थ स्ट्रक्चर हमारे देश का सही हो रहा है। एडोलसेंट कौन होते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन। एडोलसेंट वो होते हैं जैसे कि जो बच्चे भी नहीं होते, जो टीनेजर्स होते हैं ना, वही वाली एज होती है। इसमें आप 10 से 19 लगा लो या 13 से 19 लगा लो, जो ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते, वही वाले जो एज होती है ना वो एडोलसेंट एज होती है। ये इंडिया की पॉपुलेशन का 1/5 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इसकी वजह से जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग पॉपुलेशन है। अब जो एडोलसेंट होते हैं इनको न्यूट्रिशन की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो एडोलसेंट लोगों को एडल्ट से और एक नॉर्मल जैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एडोलसेंट आर हायर, ज़्यादा होती हैं किसी एडल्ट से। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं। इसलिए जो है फूड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोइंग ईयर्स में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहे। अब इसमें यही पूरा बताया गया है कि खाना ना खाने की वजह से जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ में उनके जो बेटे होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बेटियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें कुछ पॉलिसीज़ हैं, हम लोगों ने हेल्थ के बारे में पढ़ लिया, एडोलसेंट पॉपुलेशन पढ़ लिया, अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज़ वुड इम्प्रूव द इंडिविजुअल हेल्थ एंड वेलफेयर। मतलब कि फैमिली प्लानिंग जो है उससे क्या होगा कि जो लोगों की हेल्थ में और उनके मतलब हेल्थ अच्छी हो जाएगी, परिवार की हेल्थ पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी अगर फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में पहली बार। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलेंटरी बेसिस। इसमें क्या था कि जो बच्चे पैदा करें लोग वो एक प्लान्ड वे में करें। पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे होते थे तो सबको मतलब वो करना होता था, इनकम ज़्यादा चाहिए होती है, अगर सबको एजुकेशन देनी है, सबकी हेल्थ अच्छी रखनी है। तो जैसे पहले मान लीजिए कोई 2000 रुपये कमा रहा है, एग्जाम्पल उसके 5 बच्चे हैं, तो वो कम खर्च कर पाएगा। अगर उसी इंसान के 2 बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों पे ज़्यादा खर्च कर पाएगा, ज़्यादा ध्यान दे पाएगा। तो इसीलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी और जिसमें फैमिली प्लानिंग का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में क्या हुआ कि जो ये प्लानिंग है इसको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका बनाया गया। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट टू बिलो 30 per 1000 लाइफ बर्थ। तो मतलब 2000 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो फ्री और कंपलसरी स्कूल की एजुकेशन है
14 साल तक के बच्चों के लिए उसको फ्री कर दिया गया, मतलब 14 साल तक के बच्चे बिल्कुल फ्रीली जा कर के सरकारी स्कूल में पढ़ सकते हैं, ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में कहा गया। और मोर्टैलिटी रेट जो है, इन्फेंट का मतलब होता है जो बच्चे बिल्कुल पैदा हुए हुए होते हैं ना, 1 महीने से कम की एज के बच्चे, 28 दिन से कम की एज के बच्चों को हम इन्फेंट कहते हैं। मोर्टैलिटी का मतलब होता है मर जाना, डेथ हो जाना। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट था, रेट मतलब आ गया 30 पर 1000 लाइफ बर्थ से, मतलब 1000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 30 की ही डेथ हो रही है। अब मतलब इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ये हो गया है। इसकी वजह से क्या और भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो स्टेप्स लिए गए, जैसे कि इम्यूनाइजेशन किया गया, बच्चों को वैक्सीन्स दी गई, जिसकी वजह से जो बच्चों की डेथ हुई उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई। और जो गवर्नमेंट ने प्रमोट की कि जो मैरिजेज होती हैं गर्ल्स की वो थोड़ी डिलेड हो, 18 के बाद ही हो, और जो फैमिली वेलफेयर, जो फैमिली सेंटर्ड गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स चलाए, जिसकी वजह से हेल्थ कंडीशन देश की काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड एडोलसेंट। अब एडोलसेंट के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन पॉलिसी जो थी उसमें एडोलसेंट का क्या रोल था और क्या उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई थी। इसने आइडेंटिफाई किया एडोलसेंट को एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है पॉपुलेशन का और जिसको अटेंशन भी चाहिए। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अलावा जो पॉलिसी थी उसने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंट नीड ऑफ एडोलसेंट, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, मतलब जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं और जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, उसको रोकने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी इस पॉपुलेशन पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इट कॉल फॉर प्रोग्राम्स दैट एम टूवर्ड्स एनकरेजिंग डिलेड मैरिजेस एंड चाइल्ड बियरिंग एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो इसमें यह क्या है कि मतलब वो किया गया, लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि मैरिजेस जो हैं वो लेट हों, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, और मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करें, और जो फूड सप्लीमेंट्स दिए गए जो एडोलसेंट बच्चे थे जिनमें न्यूट्रिशन की कमी थी उनको काफ़ी फूड सप्लीमेंट्स दिए गए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी गई, और जो लीगल मेजर्स लिए गए मतलब कानूनी कार्रवाई भी की गई रोकने के लिए चाइल्ड मैरिजेस को। जो लोग होते हैं वो नेशन के सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। वेल एजुकेटेड और हेल्थी पॉपुलेशन एक देश, जो देश होता है उसके लिए बहुत ही बड़ा असेट होती है और एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पर हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।